स्वागत है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन के पार्ट टू में आ, फर्स्ट पार्ट में हमने दस क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अभी जो पार्ट टू में हम जो नेक्स्ट टेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे सो so स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन से एन अमाउंट ऑफ नाइन फिफ्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन दिस रेशो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड ए ओके तो टोटल अमाउंट आपको इसमें यहां पे दे रखा है और जो डिस्ट्रीब्यूट होना है तीन लोगों में ए बी सी में इस रेशो में तो अगर आप अगर आप देखें तो यहां पे टोटल जो है वो कितना आ रहा है ए को फाइव यूनिट मिल रहे हैं बी को इलेवन यूनिट मिल रहे हैं और सी को थ्री यूनिट मिल रहे हैं सो वॉट इज द टोटल दैट इज नाइनटीन यूनिट और एक्चुअल में टोटल कितना है नाइन ठीक है तो दोनों को इक्वेट करके आप वन यूनिट की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं वन यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी आ जाएगी फिफ्टी रुपीज ओके okay. अगर वन यूनिट की वैल्यू फिफ्टी है आपसे पूछा है द द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड ए तो ए और बी के बीच में जो शेयर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है यहां कितना डिफरेंस है यूनिट यूनिट का अगर 50 है तो सिक्स यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी आएगी थ्री हंड्रेड बिकॉज फिफ्टी इंटू सिक्स कितना होता है थ्री हंड्रेड सो ऑप्शन फोर आंसर ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ए एंड बी आर टू अलॉयस ऑफ गोल्ड एंड कॉपर ओके okay. तुम्हारे तो पास दो अलॉयज हैं गोल्ड और कॉपर के और इसमें जो है प्रोपोर्शन है वो कितना है सेवन रेशो टू फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में कितना है सेवन रेशो इलेवन इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉयस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय ठीक है इन दोनों अलॉयज की इक्वल क्वांटिटी को मेल्ट करके एक थर्ड अलॉय जो बनाया गया तो आपसे पूछा है कि रेशो क्या आएगी थर्ड लॉय में गोल्ड एंड कॉपर की देखो सबसे पहले आपको क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी यहाँ पे जो गोल्ड है वो सेवन यूनिट है कॉपर जो है वो टू यूनिट है तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है नाइन यूनिट और अगर आप सेकंड वाले में देखें तो गोल्ड है सेवन यूनिट कॉपर है इलेवन यूनिट तो टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी बन रही है एटीन यूनिट इन दोनों को सेम आप कैसे करोगे ओके इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे टू से तो इसको अगर आप टू से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास कितना बन जाएगा ओके? Okay? और सेकेंड वाली जो है वो सेम देखो दोनों से मिक्स करोगे इन दोनों को तो जो गोल्ड वाला पोर्शन है वो गोल्ड में मिक्सर हो जाएगा मिक्स हो जाएगा फोर्टीन प्लस सेवन गोल्ड कितना जाएगा फाइनल में ट्वेंटी वन और कॉपर कितना फोर प्लस इलेवन फिफ्टीन इसको अगर आप और शॉर्ट करें तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा सेवन रेशो फाइव ऑप्शन थ्री आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या दिया है द सम ऑफ थ्री नंबर इज वन जीरो फाइव तीन नंबर का जो सम है वो एक सौ पांच है रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज टू रेशो थ्री फर्स्ट और सेकेंड की जो रेशो है वो कितनी है टू रेशो थ्री सेकेंड एंड थर्ड की रेशो कितनी है फोर रेशो फाइव ओके फोर रेशो फाइव हमने बताना सेकंड नंबर कितना होगा देखो तो सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड और सेकंड एंड थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा ठीक है तभी हम 105 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे तो देखो कंबाइन हम इसको कैसे कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से इसको करते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे टू रेशो थ्री ठीक है और नीचे फोर रेशो फाइव तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हो थ्री और फोर को जो है एज इट इज करोगे और इसको स्लॉटली आप मल्टीप्लाई करोगे सो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा एट ठीक थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व एंड थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा फिफ्टीन तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया ये सेकेंड पार्ट आ गया और ये थर्ड पार्ट आ गया सेकेंड पार्ट को निकालना है सेकेंड पार्ट कितना है ट्वेल्व यूनिट ओके एंड टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हैं एट प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव यूनिट सो ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव एंड टोटल हमारे पास नंबर कितना है एक सौ पांच ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सेकेंड uh, नंबर की दैट इज ट्वेल्व इंटू थ्री 12 into 3 कितना होता है थर्टी सिक्स ठीक है इसको हमने किया कैसे ऊपर आपने जो सेकंड वाले का जो यूनिट है वो रखा नीचे टोटल टोटल रखा और मल्टीप्लाई कर दिया total हमारे पास जो उसकी वैल्यू थी ठीक है अगर सपोज आपको फर्स्ट यूनिट ढूंढना एट बाई थर्टी फाइव इंटू वन जीरो फाइव ओके ये वैल्यू जो है ये आपके पास सेम रहती है ना सिर्फ अगर आपने फर्स्ट निकालना है तो ये चेंज हो जाता थर्ड निकालना है तो आपका ये चेंज हो जाता गॉट इट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है सम कितना दे रखा है टू सेवेंटी फाइव फर्स्ट और सेकेंड की रेशियो इतनी दे रखी है सेकेंड और थर्ड की रेशियो इतनी दे रखी है सेकेंड आपने निकालना है ना तो उसी तरीके से आप इसको निकालोगे सबसे पहले जो है उसका जो हमारे पास जो है कंबाइन कर दोगे आप ओके शॉर्ट फॉर्म से कंबाइन कर दोगे और उसके बाद जो है सेकेंड नंबर आप इसमें से निकाल लोगे तो इसको ट्राई करके बताइए कितना आ रहा आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दिस इज अगेन कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड रेशो है उसका क्वेश्चन है ओके okay. तो सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट तरीका किस तरीके से आप इसको शॉर्ट वे से कर सकते हो ए रेशो बी सी रेशो डी आपने निकालना है ओके अब सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस तो में दे देखें तो ए रेशो बी कितना आ रहा है थ्री फोर ठीक है तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये ए रेशो बी थ्री रेशो फोर नहीं बन रहा ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा ठीक है इन इन दो सेकेंड uh, थर्ड और फोर्थ है ना इन सब में थ्री रेशो फोर बन रहा है ओके okay. बी रेशो सी कितना है फाइव रेशो सेवन ठीक है तो यहाँ पे अगर बी और सी की रेशो आप लो तो फाइव रेशो सेवन नहीं आएगा ठीक है यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल क्योंकि ट्वेल्थ के टेबल में सिक्सटी पांच पे आता है एटी फोर सेवन पे आता है तो इसमें आ सक, आएगा ठीक है इसमें भी नहीं आएगा राइट इसमें भी नहीं आएगा तो ऐसे आप ऑप्शन हेल्प से भी इसको कर सकते हो कि किस आंसर में जो है वो रेशो आपकी उतनी आ रही है राइट और इसका प्रॉपर अगर वे करें तो सबसे पहले आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल लो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालोगे थ्री रेशो फोर है ना ए रेशो बी जो थ्री रेशो फोर है यहाँ पे लिखो फाइव रेशो जो सेवन है वो आप यहाँ पे लिखो ओके okay? मल्टीप्लाई करोगे आप एन की फॉर्म में यहाँ पे है ना ये जो सामने एक दूसरे के ऊपर है इनको एज इट इज और बाकी डायगनली फाइव फाइव इंटू थ्री कितना आ जाएगा फिफ्टीन फाइव इंटू फोर कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू फोर कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट तो ये आपके पास आ गई ए रेशो बी रेशो सी तो आपने डी भी साथ में निकालनी है आप डी के लिए निकाल लो ए बी सी और यहाँ पे डी लिख लो ओके सी और डी अब कंबाइन कर दो यहां पे एबीसी लिख लिया आपने और नीचे क्या लिख दो थ्री रेशो फाइव किसका सी और डी का ठीक है सेम मल्टीप्लाई करना है, जो एक दूसरे के ऊपर है उनको इज और डायगनली थ्री इंटू फिफ्टीन कितना फोर्टी फाइव थ्री इंटू ट्वेंटी कितना सिक्सटी ओके ट्वेंटी एट इंटू थ्री अगर आप करो तो कितना एटी फोर एंड ट्वेंटी एट इंटू फाइव अगर हम करें तो कितना जाएगा वन फोर्टी सो दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर से भी आप कर सकते हो और ये है मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वॉटर इन दिस रेशो ठीक है मिल्क एंड वॉटर की जो रेशो है वो कितनी देर रखी है फोर रेशो थ्री ऑन एडिंग टू लीटर ऑफ वॉटर ठीक है आप दो लीटर वॉटर एड कर रहे हो एंड द न्यू रेशो इज एट रेशो सेवन राइट अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप जो चेंज है वो क्या कर रहे हो आप वाटर को चेंज कर रहे हो इसका मतलब मिल्क तो आपका सेम है फर्स्ट में भी सेकेंड में भी ठीक है तो अगर आप रेशो में कंपेयर करना चाहते हो तो मिल्क की जो रेशो है वो आपको सेम करनी पड़ेगी है ना तो यहाँ पे एट यूनिट है और यहाँ पे फोर यूनिट है सेम कैसे करोगे इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे टू से राइट तो ये कितना देगा एट रेशो सिक्स यहाँ पे मिल्क और वाटर और सेकंड में हमारे पास जो है वो कितना है एट रेशो सेवन अब देखो मिल्क यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे सेम है नाउ यू कैन कंपेयर सो वाटर इज सिक्स यूनिट एंड जब आपने दो लीटर वाटर एड किया तो सेवन यूनिट हो गया इसका मतलब तो यहाँ पे जो वन यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी टू लीटर राइट द टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी आपने बतानी है तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क है आठ यूनिट वाटर है सेवन यूनिट तो टोटल कितने यूनिट्स आ जाएगा फिफ्टीन यूनिट अगर वन यूनिट टू लीटर है तो फिफ्टीन यूनिट कितना आ जाएगा थर्टी लीटर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके तो आपने ये चीज का ध्यान रखना कि कौन सी चीज बदल रही है और कौन सी चीज कॉन्स्टेंट uh, है तो जो कांस्टेंट है उसको आप कांस्टेंट रखिए है. uh, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द रेशो बिटवीन टू नंबर इज फिफ्टीन रेशो सेवन इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाई टू द रेशो बिकम्स सेवन रेशो थ्री

सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो बिल्कुल आराम से राइट uh, right. आगे बढ़ते हुए द इनकम ऑफ ए एंड बी इज नाइन रेशो फोर ए और बी की जो इनकम है वो कितनी है नाइन रेशो फोर और उनका एक्सपेंडिचर कितना है इनकम है ओके okay? और एक्सपेंडिचर जो है ए और बी का कितना है सेवन रेशो थ्री वो दोनों जो है सेव करते हैं टू थाउजेंड रुपीज तो हमने उनकी इनकम की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बतानी है राइट तो अगर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो यहां पे हमें पता है जो सेविंग है ठीक है जो सेविंग है उसका फॉर्मूला क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ठीक है आप अपनी आमदनी से अगर अपना खर्चा निकाल लेते हो तो जो बाकी अमाउंट आपके पास बचता है दैट इज सेविंग ओके सो यहां पर अगर आप देखें तो नाइन और फोर के बीच में गैप कितना है का और यहां पे अगर देखें तो इनके बीच में कितना है है का ठीक है? तो सबसे पहले आपको आपको ये ये करना करना पड़ेगा पड़ेगा ठीक है ये आपको सेम करना पड़ेगा. सेम कैसे कर 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 सकते हो इसको आप कर दो से, इसको आप दो दो से से ताकि दोनों ट्वेंटी यूनिट हो जाए ठीक है अगर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप सेम है इसमें भी ट्वेंटी यूनिट इसमें भी ट्वेंटी यूनिट राइट सो अब नाउ यू कैन कंपेयर ठीक है इनकम थर्टी सिक्स है ए की और एक्सपेंडिचर है थर्टी फाइव मतलब सेविंग कितनी होगी वन यूनिट राइट थर्टी सिक्स यूनिट माइनस थर्टी फाइव यूनिट ऐसे ही इनकम जो है बी की कितनी है सिक्सटीन यूनिट एक्सपेंडिचर कितना है फिफ्टीन यूनिट तो सेविंग कितनी आ गई वन यूनिट ठीक है यहाँ पे वन यूनिट आई और एक्चुअल जो वन यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है टू थाउजेंड राइट right. अगर वन यूनिट टू थाउजेंड है तो हमें उनकी इनकम निकालनी है उनकी इनकम कितनी है यूनिट यूनिट अगर 2000 है तो थर्टी सिक्सेंड राइट और सेकेंड वाले की इनकम कितनी आ जाएगी सिक्सटीन यूनिट सिक्सटीन इन टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड सो आंसर इज ऑप्शन फोर ठीक है ऑप्शन फोर जो है वो हमारा बिल्कुल आ, सही आएगा ठीक है आगे बढ़ते हुए ठीक है अगर आप इसको बेसिक मेथड से ट्राई करना चाहते हो तो उसको इस तरीके से कर सकते हो इसको नाइन एक्स आप ले सकते हो इसको आप ले सकते हो फोर एक्स राइट ये इनकम है राइट right? इनकम में से अगर आप सेविंग हटा दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा सेकंड की भी इनकम से अगर आप सेविंग हटा दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा और एक्सपेंडिचर की जो रेशो है वो आपके पास कितनी है सेवन बाय थ्री तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर आपकी इनकम जो है वो आ जाएगी राइट right, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो ठीक है और एक शॉर्ट तरीका इसमें आ, हमारे पास जो बनता है वो है कि कौन से ऑप्शन में अगर आप कैंसिल करके देखो तो रेशो नाइन रेशो फोर बन रही है फर्स्ट में नहीं बन रही क्योंकि ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो कैंसिल करोगे रेशो बन रही है नाइनटी बाई नाइन्टी रेशो फोर ठीक है सेकंड में भी आप चेक कर सकते हो क्या सेकंड में बन रही है ठीक है इससे भी कर सकते हो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे find the 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 number which when added to to terms of the ratio ratio 13 13 and 28 make it equal to ratio 1 by 2. okay in option option add 13 28 में ताकि ratio ratio तो option method से कर सकते हो अगर आप फोर add करते हो तो यहाँ पे सेवनटीन आ जाएगा ठीक है यहाँ पे थर्टी टू आ जाएगा तो ये wrong हो गया अगर आप थ्री add करते हो यहाँ पे सिक्सटीन आ जाएगा यहाँ पे थर्टी वन आ जाएगा ये भी गलत हो जाएगा और अगर आप टू एड करते हो ठीक है तो थर्टीन प्लस टू ये फिफ्टीन आ जाएगा और ट्वेंटी एट प्लस टू ये थर्टी आ जाएगा यस yes. ठीक है जो आपकी रिक्वायरमेंट है वन इशो टू वो वापस आ रहा है टू एड करके सो आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसमें मुझे आंसर बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है राइट सो थैंक यू ऑल